सलाह ये है कि मैं जब भी आया हूँ ना इधर, मैं तो जो है ना इन मुलाजमीन में इखलाक का दायरा ही कोई नहीं है, सब जो है ना वो सिफारशी भर्ती हुए हैं। एक दफ़ा नहीं, मैं बीसों दफ़ा MS साहब से भी गुजारिश कर बैठा हूँ, हालांकि मैं अगर बाईपास करना चाहूँ ना तो मैं बाईपास करके सुबह आऊँ मैं चले जाऊँ। लोग कहाँ से आए होते हैं, सारी सारी रात जो इधर ही बसर करते हैं। मैं मुझे भी दो घंटे हो गए इधर बैठे हुए, ठीक है। यही मुलाजमीन इधर वो डॉक्टर के पास ले जाते हैं, ये कि बाईपास करके जो बेचारे आए हैं, वो ये अफसाबाद से कोई आया, नारोवाल से कोई आया, पसरूर से, मैं वजीराबाद का हूँ। अगर मैं इंतज़ार कर सकता हूँ तो ये जो सिफारशी आते हैं वो भी इंतज़ार कर सकते हैं। इधर मुलाजमीन का मैंने 20 दफ़ा डॉक्टर को वो MS साहब से कहा है कि इनमें से तो जो है ना जो मुलाजमीन है दायरा जो ना इखलाकिया सबसे बड़ी अच्छी चीज़ है, लेकिन ये अब मैं आवाज़ मारी, मैंने कहा कि बताओ ये कितना नंबर आया, ये जी सारे ही आ गए ने। मैंने कहा मुझे नंबर जी आप हमें ये बताएं कि आपको किसने बोला, ये जरा बता दें। ये का अंदर मुलाजम गया हुआ है, मुझे उसका नाम नहीं आता, वो अंदर है। मैं भाई फेस ये एक दफ़ा नहीं इसने बोला, ये मुझे जब का ये ओपनिंग हुई है ना, मैं पहला मरीज हूँ इधर। उस वक्त एक MS था, एक डॉक्टर था, एक मैं था, या दो तीन और होंगे, मैं उस वक्त का आ रहा हूँ। लेकिन ये जब का आया हुआ है ना, ये ऐसे ही करता है, कभी इधर इसकी ड्यूटी होती है, कभी उधर होती है, लेकिन जब भी इधर आया इस इसमें इखलाक का मादा ही नहीं। बड़े प्यार से बोला कि ये पेशेंट है, सारी जिंदगी चले गए इससे बस कोई बात नहीं आ गई जी, वो खुद ही पूछ ले। मैंने 20 दफा शिकायत की है। क्या नाम क्या है मेरा? नाम का मुझे नहीं पता, मैं आप पहले उधर भी थे, मैंने मैंने काजी साहब से भी आपकी शिकायत की है, कोई एक दफ़ा नहीं आपने बोला है कि मुझे निकलवा दो। हो गया, मेरी 75 ये उम्र है, आप भी बाईपास करते हैं, ये भी बाईपास करता है। मैंने डॉक्टर साहब से भी बोला है तो मैंने कहा, वो कहते हैं जी ये डॉक्टरों के वो सिफारशी वो है, वो देखो ये देखें आप, बिल्कुल आपको नजर आ रहा होगा कि यहाँ पे कोई किसी का सुनने वाला नहीं है, जो सिफारशी आते हैं उनकी बात सुनी जा रही है। और चाचू बहुत सुबह से आए हुए हैं और इनका कहना है कि हम सुबह से आते हैं, रात को भी आते हैं, यहाँ पे कोई देखभाल नहीं है। और इनका कहना है कि ये हुकूमत से अपील करना चाहते हैं कि हमारी कोई देखभाल करें।